बहुत ही कर्मठपूर्ण और डिवोटेड स्टाफ मेंबर्स, मेरे गांव से भाई सोनू, मेरा भतीजा अमित प्रधान दिवासा, आप सभी का इस सम्मान समारोह में पहुँच करके और हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने पर मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ। आज का ये आयोजन करने के पीछे एक मेरा बहुत बड़ा मोटिव, सबसे पहली बात तो कोरोना महामारी जो कि COVID-19 के नाम से शुरुआत हुई और आज इसको झेलते झेलते अगर हम नेगेटिविटी की बात तो करें तो किसी भी स्कूल जरूरतों को पूरा करने के लिए हम भी एक सामान्य आदमी की तरह थे। धीरे धीरे इस पेशे में आने के बाद और लोगों की जागरूकता के कारण और मोटिवेशन के कारण हमने अलग अलग धंधे नहीं किए। कुछ लोग शिक्षा के क्षेत्र के साथ साथ कहीं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम कर लेते हैं, कहीं मुर्गी पालन का कर लेते हैं, कहीं डेयरी फार्म का कर लेते हैं, कहीं एग्रीकल्चर का कर लेते हैं और हम यहाँ तो 24 घंटे दोनों इसी काम में लगे रहे तो हमारा तो एक ही पैसा और एक ही धर्म रहा, वो भी शिक्षण का। हम जीतते हैं और मरते हैं तो इसके लिए। और जब ये महामारी आई, इसका पहली वेव आई तो उस समय मैं डरता नहीं था। मैं अपने दिल की बात आपसे शेयर कर रहा हूँ, मुझे डर नहीं लगता। मैं सोचता ये जैसी होती है, मास्क लगा भी लेते थे, मास्क को कभी धो लिया ठीक था, धूप में रख दिया उसने। जब इसकी सेकंड वेव आई और इसमें डेथ, आम जनता ने जो पिछली पहली लहर में कहा कि ये सब राजनीतिक प्रोपगंडा हो सकता है, लोगों में मेडिकल लाइन के लोग हैं उन्होंने इसको मतलब इस तरह से हाईजैक कर दिया है, कभी मास्क खरीदे नहीं जाते थे, सैनिटाइजर कभी ज़िंदगी में हमने मोल नहीं लिया, ये सारी चीज़ें करने के लिए हो सकता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड पे कोई ऐसा रैकेट काम कर रहा हो, कि वो बात। लेकिन जब इस बीमारी की सेकंड वेव आई और जब लोगों ने इस तरह कहा, मुझे सबसे बड़ी बात अफसोस मुझे देखने के लिए गया, मेरे एक रिश्तेदार की एजेंसी है या यादव गैस एजेंसी, मेरे रिलेटिव, कभी मैंने उससे कभी एक सिलेंडर पे, कभी उस बात पे, कभी, लेकिन कल तक अच्छा खासा था। तीन दिन बाद समाचार मिलता है फला आदमी हमें साथ छोड़ के चले। आपसे सच बताता हूँ, मैं बड़ा मतलब किसी चीज़ को बारीकी से देखने में मेरी प्रारंभ से ही रुचि रही और मेरा व्यक्तित्व तो निर्माण हुआ तो उसमें किसी चीज़ की जड़ तक जाने के लिए ये सारी चीज़ें समाज से, गुरुजनों से, माता पिता से मिली। 10 अप्रैल को, मई को मैंने एक मेरे साथी जो कि बहुत हेल्दी स्मार्ट बहुत अच्छा और एक विश्वास के साथ जीने वाला व्यक्ति था, मैंने 10 मई को उसको सुबह कॉल की 7:30 बजे मैंने कहा, महिपाल राजपाल बोल रहा हूँ और मैं पूछ रहा हूँ तुमने जो हॉस्पिटल बना रखी है जो बालाजी वाला विशाद आपका शहर में, क्या वहाँ कोई MBBS फिजिशियन MD है? मेरे भाई वो है लेकिन हमने उसको किराया भी नहीं किया राजपाल जी, आप अपने लेवल पर नहीं करते। मैंने बड़ी नज़रें दौड़ाई, डॉक्टर गजेंद्र का नाम लेता हूँ तो फिजिशियन के साथ वो सर्जन में MD कह के चले गए, MBBS की वो बात नहीं। मैं बड़ा चिंतित सर, आने वाले 4 रोज बाद मुझे समाचार मिलता है जिस महिपाल से तूने बात की थी वही महिपाल कोरोना के संक्रमण के चारे हमारा साथ छोड़ दिया। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस उस बंदे का हुआ। तो अपन ने सब ने बड़े प्रोटोकॉल के तहत बड़े भाग्यशाली इस बीमारी से लड़ करके और अपन यहाँ तक बैठे हैं, अपना परिवार सकुशल है। और फिर उसके बाद बात आती है, मैंने ये बात महसूस की एक बार अमेरिका के किसी डॉक्टर का जी न्यूज पे मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था, सुना था और उसमें ये बात आई थी कि जी बार बार बात करते हैं स्टेराइड देने की या फिर विटामिन्स मिनरल्स देने की, मल्टी विटामिन देने की, विटामिन सी देने की, आप इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए आप एक ही मत मानो, भाई वो डॉक्टर बोले कि दवाइयों से ही बढ़ जाएगी या मिनरल से बढ़ जाएगी। मतलब मेरा कहना ये है कि अगर मान लिया आप अपने कहीं शाम के समय अपने घर पर चाय की चुस्की ले रहे हैं और आपका छोटा बच्चा अगर आपके पास दोनों बाहें हिला करके रास्ता खिलता है, रोल ऑफ डॉक्टर, इफ यू टॉक अबाउट द रोल ऑफ डॉक्टर एज वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड, सो इट इज नॉट ईजी टू इनोक्यूलेट टू वैक्सीनेट ऑल द सिटीजंस, इट्स अ बिग कंट्री, 135 करोड़ पीपल आर देयर, so it's never an easy task to inoculate each and everyone. Still our inoculation is going on, that is not that much fast actually. Today I was reading newspaper, so I came to know we need 9 times more vaccination supply
right now to inoculate each and everyone in India up to December 2021. So the way we are going, it doesn't look that much good, because if we go with the same speed, it will be much more difficult. But if we have the frontline workers and these doctors and police officers, they are with us, so we can definitely win this fight, there is no doubt. These workers, these warriors, they have paved the way in this impossible fight, which was looking almost impossible up to last year. And now we are in much better control right now. If we go 1 month before, the fatality rate was much more higher, the positivity rate was much higher. In Delhi it was up to 36%. Right now it is less than 1% if you see overall in so many states. So we have controlled over it, and we need to support doctors, policemen and all the, actually clearing the mask, sanitizing and we know the importance of this. But what is the problem in our country? Until or unless lockdown is there or more cases is there, we follow each and every measure. We wear mask, we sanitize our hand also. But once the lockdown is open, once we are proceeding to the unlocking, we start living the things. We do not wear masks, we take it very light actually. And after that, what happens? We do not sanitize our hand, we do not make proper distance also. So we need to understand, until or unless this contagious disease is there, we have to accept each and everything. We have to support our government, we have to support our doctor. It is not there that, yes, we are awarding them, we are rewarding them for their work. The real reward is when we support them, even after the lockdown, until or unless we do not win over this disease. We have to support our government, we have to support our doctors, we have to support policemen and even cleaning staff. So we are proceeding to the unlocking, so we personally urge you to follow each and every protocol, COVID protocol, still out there. Because this disease is still out there. And as we all know, third wave we are talking about, it will affect children more and more. So it is, you can understand this, it will be more dangerous. And such work done by Mr. Rajpal ji is really valuable, very vital. Because to reward our doctors and everyone who has been in this fight with us right from the start, it's become very vital. Inspiration, that is very important. Once they get this kind of reward, they get inspired and they work even harder. So we are journalists, we go everywhere, our role is also similar. Even this COVID-19, we went to different hospitals, we went to the places where mob was there, rush was there. So our work is not also that easy. So this inspiration is very important, very vital. So I personally heard from Bharat Gaurav News that please follow all the COVID protocols even after the unlocking. I hope that we will completely proceeding to the complete unlock up to the end of June 30. Except some cases like in schools cases, I am not sure about that, but the market will be open, we hope, this thing. So we personally urge you to follow each and every COVID protocol. Until or unless this COVID-19 is there, we have to fight it out. And I would like to thank again Mr. Rajpal Yadav for such brave work, and such kind of people are very important for this society. They stand with the society every time and hand from the front. So I congratulate Mr. Rajpal Yadav for such an effort that he has put and come ahead for such work. So we always appreciate such kind of work, and we again urge you to please follow all the COVID protocols. Thank you. सर्वप्रथम तो मैं श्री राजपाल जी का इस बात के लिए, इस उनके पहल के लिए हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ. इनके जैन में, इनके मानस में, इनके अंतकरण में, इनके दिल में हम पत्रकार साथियों के प्रति कितना आदर और सम्मान है. तो सबसे पहले इस अवसर पर उन्होंने सबसे पहले आप लोगों को, कोरोना योद्धाओं को यहाँ बुलाने का जो कार्यक्रम बनाया है, उसके लिए मैं इनका हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ.
सब जानते हैं कि कोरोना एक महामारी है और इस महामारी से सारा संसार त्रस्त है। इतनी भीषण आपदा है कि जिसके